टाइगर टाइगर किस टाइम दिखता है वो आदमी भी नहीं होएगा तो कभी कभी तरी नजर अकेला ना मिशन है अकेला होएगा अकेला अगर आएगा तो थोड़ा वो दिन भर नहीं घूमता है रात को काम करो मच्छर वगैरह बहुत काट रहे हैं क्या कीड़े मकोड़े काट रहे हैं चक्कर में ये है कुंडलिका वैली लेकिन आज भीड़ देखो यहाँ पे मैं तो अंदर नहीं जा रहा भाई हम लोग जा रहे थे बस पकड़ने के लिए लेकिन बस है ही नहीं हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ अंधारवन का सैर कराने। अंधारवन एक जंगल है, मतलब महाराष्ट्र का सह्याद्री रेंज का सबसे घना जंगल बोलते हैं अंधारवन का। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ ट्रेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे। इधर ये जो आगे साइड में आपको दिखेगा वो पिंपरी विलेज है। हाँ, पिंपरी विलेज से यहाँ पे कुछ 200 मीटर का फासला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जगह यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेक, और वहाँ पे आपको ना वो टिकट निकालना पड़ेगा, कुछ 50 रुपये पर पर्सन है। तो वीडियो के आगे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम लोग कैसे पहुँचे, और आगे का जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगा ना वो सब मैं आपको इस वीडियो के आगे में बताते जाऊँगा। तो अभी हम लोग टिकट निकालें, और गाइड का मैं अभी पता कर रहे हैं। हम लोग कुछ गाइड 2000 रुपये बोल रहे हैं यहाँ का, डायरेक्टली वीरा डैम तक हम लोग को छोड़ेंगे, लेकिन 2000 बोल रहे हैं। ट्रैक के स्टार्टिंग में ऐसे छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स दिखेंगे आपको, पीछे एक था छोटा सा और यहाँ पे भी है, और आगे बहुत सारा रहेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको 50 रुपये भरने के बाद ना यहाँ पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपको 140 रुपये भरना है। ये देखो 140 रुपये बड़ों का है, और 5 साल से 12 साल का जो बच्चा है उसका 70 रुपये, और फॉरेनर जो है उसका 280 रुपये, मतलब डबल समझ लो। स्टिल कैमरा चार्ज। यहाँ पे वॉशरूम भी है वो पीछे साइड में, तो वॉशरूम भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे कैमरा छुपाना पड़ेगा क्योंकि कैमरे का इधर चार्जेस है अलग से 200 रुपये। हेलो, ये देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, आ जा, कम ब्रो कम, आ जा। दोस्तों ये वाला जो आपको वैली दिख रहा है ये है कुंडलिका वैली। उधर से जब ये हम लोग जाएंगे ना तो ये साइड का जो व्यू दिखेगा आपको बहुत ज़बरदस्त व्यू दिखेगा। गिरोगे तो वैसे टेंशन नहीं है, बह के तो जाओगे नहीं क्योंकि कहीं पे भी वो उधर आगे साइड खड्डा है, बह के गिरोगे तो यहीं पे गिरोगे। दोस्तों ये है संडे का हालत, संडे को अगर आप आओगे तो ये होगा आपके साथ। अभी यहाँ पे हम लोग फोटो खिंचाने के लिए नहीं रुक रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम आगे सीधा आगे बढ़ेंगे। अब तो देखो रेनकोट भी फट गया तो इधर ही फेंक दिया है, तो ऐसे नेचर का नुकसान हो रहा है यार, ऐसे नहीं करने का। आपका रेनकोट फट रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो घर लेके जाओ, ऐसे वहाँ पे फेंकने की क्या ज़रूरत है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के ऐसे एक दो मार्किंग मिल जाएगा आपको पेड़ों पे, ये मार्किंग देखते देखते आपको जाना है। दोस्तों बारिश जब भी ज़्यादा होता है ना
तभी बारिश के टाइम पे जब यहाँ पे बहाव ज्यादा रहता है तो यहाँ पे ये पकड़ने के लिए भी दिया है, ये पकड़ के आप जा सकते हो साइड में। सूरज अच्छे से जाने का, आराम आराम से पैर रखना, आराम आराम से सूरज, मरना मत बस। तो हम लोग यहाँ पे कैसे आए वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सोचा था कि एक दिन का ट्रैक है तो मॉर्निंग में जाके हम लोग शाम तक पूरा रिटर्न चले जाएंगे, लेकिन बात ऐसा है कि आपको एक रात तो देना ही पड़ेगा इस ट्रैक में। तो हम लोग क्या किए कि लोनावला है, लोनावला में होटल वगैरह सबसे महंगा था, होटल वगैरह बहुत महंगा था, तो हम लोगों ने एक हॉस्टल बुक किया 500 रुपये में, पर पर्सन 500 रुपये। मैं आपको होटल वगैरह दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं जो रूम में रुका था ये हॉस्टल में, यहाँ का हॉस्टल का मैं रूम दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये वाला है, यहाँ पे दो बेड मिलेगा, ये पूरा एक ही रूम है, कनेक्टेड है, और यहाँ पे दो बेड है, यहाँ पे तीन बेड है, एक दो तीन, और यहाँ पे एक बेड है अलग से। आपको कवर्ड वगैरह भी मिलेगा, देखो इधर भी कवर्ड है, अंदर भी कवर्ड है, और यहाँ पे भी एक है। और ये वॉशरूम आपको दो मिलेगा, एक ये वॉशरूम एक वो ये वॉशरूम, बहुत सही है। अगर कभी भी आप आओ तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ है, यहाँ पे पिलो नहीं मिलेगा, बाकी वो ब्लैंकेट वगैरह आपको मिल जाएगा, चेयर वगैरह रहेगा, बेड ये टेबल है, और मैं क्या दिखाऊँ। और खिड़की से जो व्यू दिखता है ना वो सुबह को बहुत खूबसूरत रहता है यार। अभी तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, देखो पूरा ये साइड में वो उधर ना माउंटेन है, वो सामने से अभी दिख नहीं रहा है। तो जब सुबह को ना, सुबह को यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ का एक है कि ये जो हॉस्टल में अगर आप रहना चाहते हो तो यहाँ पे ओनली बॉयज़ अलाउ है, बाकी फीमेल वगैरह अलाउ नहीं है। तो और यहाँ पे आप चाहो तो रूम भी ले सकते हो पूरा एक मंथ के लिए, जो 4,500 रुपये लेंगे पर पर्सन, 4,500 पर पर्सन। और क्या हो बताना चाहता हूँ मैं आप लोग को, हाँ यहाँ का जो रूम है हम लोग स्टे किए 500 रुपीज़ में पर पर्सन 500 रुपीज़। तो ये रहा अपना हॉस्टल, देख लो मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब है यहाँ पे, इधर का ले लो अंदर। हाँ देखो अंदर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, यानी तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। हाँ कभी भी अगर आओ तो फ़ोन करके आना, ये है हमारा ओनर, अरे ये हॉस्टल का। कभी भी अगर आप आओ ना, यहाँ का प्लान बनाओ तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर वगैरह जो है डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और यहाँ का जो लोकेशन है ना मैप में, मैप का वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे आने के लिए। और हॉस्टल बुक करने के बाद वहाँ से हम लोग कैब बुक किए, 4,000 बोल रहे थे कैब का, वहाँ से अंदरबन का ट्रैक स्टार्टिंग जहाँ पे पॉइंट है वहाँ तक का। तो हम लोगों ने बार्गेनिंग करके 3,500 तक बोले, पहले तो 2,000 बोल रहे थे, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चला कि उधर गाड़ी नहीं जाता है, उधर गाड़ी जो है ना ऊपर तक जाता है, तो वो गाड़ी छोटा मोटा गाड़ी जो है वो एटिगा वगैरह वो नीचे लग जाता है उसके, तो बड़ा गाड़ी चाहिए इधर आने के लिए। तो 3,500 में गाड़ी बुक की है, और सुबह 7 बजे हम लोग अंदरबन का जो ट्रैक पॉइंट होता स्टार्ट है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किए। तो सबसे बेटर सजेशन है दोस्तों कि आप लोग जो है ना किसी ग्रुप से आओ, बड़े ग्रुप से, तो वो लोग जो है ना 1500-1600 में आपका पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग रिटर्न कैसे जाएंगे। हाँ तो रिटर्न जो है ना हम लोग को वीरा डैम में वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, कुछ 5 बजे समथिंग बस है, तो वहाँ पे जाके रिटर्न का मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, रिटर्न का मैं बाद में बताऊँगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे आने के लिए ना एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है कैब, क्योंकि कैब से अगर आओगे तो आप टाइम पे ट्रैक स्टार्ट कर पाओगे और टाइम पे ना ट्रैक बंद कर पाओगे। नहीं तो अगर आप बस से आने का सोच रहे हो ना तो बस वगैरह तो चलता नहीं है डायरेक्ट, बस जो है वो लोनावला से एक बस चलता है बामबर्दे विलेज तक, और वो टाइमिंग क्या क्या है वो पता नहीं, सुबह 9:30 बजे पहला बस है, फिर 12:30 बजे है। तो बस से अगर आओगे ना तो बहुत लेट आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, और अगर बस से आए बामबर्दे विलेज तक ना तो बामबर्दे विलेज में आपको उतर के वहाँ से पैदल आना पड़ेगा पिंपरी विलेज तक, जो कि 14 किलोमीटर का है कुछ, बामबर्दे से पिंपरी विलेज, उसके बाद वहाँ पिंपरी विलेज आना है, फिर ट्रैक स्टार्ट करना है, बहुत मगजमारी वाला बात है। तो इससे बेटर है कि कैब से आओ,
कैब एक बेटर ऑप्शन है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, नहीं तो जो ग्रुप अरेंज करते हैं ट्रैक वगैरह उनके साथ आओ। टाइगर टाइगर किस टाइम दिखता है वो आदमी नहीं होएगा तो कभी कभी तरी नजर अकेला ना भविष्य में अकेला होएगा अकेला अगर आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है वो दिन भर नहीं घूमता है रात को काम करो उधर से वापस रिटर्न आओ अकेला रात को और टाइगर शौकीन हुआ तो और गजरा यानी ये अभी वो है ना दिवाली बिवाली का बात कम आदमी होता ना इधर का इधर घूमता है हम देख के बोलेगा तुमको मिल जाएगा ऐसे मिल नहीं सकते कभी भी कोई भी आदमी को दिखेगा और जंगली शुअर भी है ना जंगली शुअर हाँ जंगली शुअर ये देखो दोस्तों कहाँ से आगे टपक पड़ा ऐसे कई सारे कीड़े मकोड़े बहुत सारे लटक जाएंगे आपके बॉडी पे ध्यान से चलेगा जंगल में तो लटकेंगे ही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ से टिकट निकाला हम लोगों ने वहाँ से लेकर के एंड पॉइंट तक मतलब एंड पॉइंट सॉरी हिरडी गांव जो है ना वहाँ तक आपको बीच में एक भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा ना पानी पीने का सामान कुछ भी नहीं मिलेगा तो जो है बेटर है कि आप थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर के आओ मच्छर वगैरह बहुत काट रहे हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े काट रहे हैं चक्कर में दोस्तों ये वाला पेड़ देखो इसका पूरा जड़ से निकल गया है खैर वो आगे वाला एक पेड़ है उस पर जाके टिका खाया वो नहीं तो वो पूरा गिर जाता अभी देखो यहाँ पे कोहरा ना पूरा जंगलों को घेर लिया पूरा पूरा जंगलों के अंदर पूरा कोहरा भर गया है इस अंधारवन के जंगल के अंदर ना कुछ बेहतरीन खूबसूरत वगैरह पंछियाँ भी है जो कि पर्वत कस्तूर और किंगफिशर और सहेली पक्षी जो बोलते हैं वो सब पक्षियाँ यहाँ पे है किंगफिशर जो है ना वो छोटा वाला किंगफिशर है जो हबिंग बर्ड से थोड़ा सा छोटा रहता है पॉकेट साइज रहता है किंगफिशर वो वाला किंगफिशर पक्षी भी है यहाँ पे इस जंगल में लेकिन अगर आपका नसीब अच्छा रहा ना तो दिखेगा वरना आपको ये दिखने वाले नहीं है और इस जंगल में आपको बड़ा वाला जो ये गिलहरी होता है ना बड़ा वाला गिलहरी वो भी दिखेगा यहाँ आपको लेकिन आपका नसीब अच्छा रहा तो ही दिखेगा वरना नहीं और यहाँ पे देखो कुछ कुछ पेड़ वगैरह जो है ना रास्ते में गिरा हुआ है दोस्तों ये वाला पेड़ देखो यार कितना बड़ा है और कितना चौड़ा है ये कम से कम 150 से 200 साल तो पुराना तो रहेगा ये वाला पेड़ वाओ यहाँ पे देखो दोस्तों ये वाला पेड़ जो है ना टूट के गिरा हुआ है ये वाला पेड़ अपन इधर से वाह इतना बड़ा पेड़ टूट के गिरा है देख ये इतना बड़ा पेड़ टूट के गिरा सड़ गया इसका तना इसलिए दोस्तों ये जो आपको वैली दिख रहा है ये है कुंदलिका वैली और यहाँ पे देखो वाटरफॉल्स वगैरह क्या गिर रहा है देखो नीचे ऊपर से कितने सारे वाटरफॉल्स है पूरे जिंदगी भर में जितना वाटरफॉल देखोगे ना यहीं पे एक साथ देख लोगे सब दोस्तों ये जो अंधारवन का ट्रैक है ये ऊपर से नीचे तक का ट्रैक है मतलब 2160 फीट ऊपर जाके आपको छोड़ेंगे
ये कैब वाले, फिर वहाँ से पिंपरी से होते हुए ऊपर से अंदरवन का ट्रैक स्टार्ट जो पॉइंट है वहाँ से होते हुए हीडी विलेज होते हुए आपको भीरा डैम तक जाना है। तो ये ऊपर से नीचे वाला ट्रैक है और हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी। दलदल में गया हो? देखो भाई चलो। एक नंबर दोस्तों, एक और रूट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग अभी जस्ट निकले अंधारवन के जंगल से बाहर निकले और इधर ये साइड में हिरदी विलेज हम लोग जा रहे हैं। जो गाइड है हमारा वो बताया कि आगे इधर जो बामबरदे विलेज है, बामबरदे विलेज के आगे गुटके विलेज है ये साइड में, और गुटके विलेज से ना आप चल के इधर से ट्रैकिंग का अंधारवन के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों हम लोग ये रास्ते से आए अभी ऊपर चढ़ के, वो वहाँ पे जहाँ पे दिखा रहे थे कि वो बामबरदे जाने वाला रास्ता था वहाँ से आए ये रास्ते से, और अभी हम लोग हिरडी विलेज पहुँच गए। यहाँ हिरडी विलेज पहुँचने में हम लोग को 4 घंटा लगा, 8 बजे ट्रैक स्टार्ट किए थे। अभी यहाँ हिरडी विलेज में आके यहाँ थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता देखेंगे अगर कुछ भी है। दुपारी जेवलो बिवलो आणि नंतर मग असं तिकडे त्यांची गाडी बोलावली, त्यांची गाडीत बसलो आणि मला त्यांनी मग परत तिकडे नेऊन सोडलं आमच्या गावात आणि मग लोणावळा मार्गे गेले। लोणावळा? हां, मुंबईहून आले होते बोरवली। येतात नाही दुसरीकडे, ते कुठली तरी कंपनी बघ पाईप टाकली आमच्याकडे कंपनीवर वगैरे आहेच नाही, तर तेच पाण्याची बॉटल भरून विकतात, स्प्रिंग वॉटर म्हणून सह्याद्रीतलं स्प्रिंग वॉटर। तो दोस्तों हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं और ये साइड में इधर वीरा डैम है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर देखेंगे कि इधर मुंबई साइड जाने के लिए क्या ऑप्शन है, बस वगैरह रहेगा तो मैं आप लोग बताता हूँ, नहीं तो कैब से जाना पड़ेगा। पाली के दिन मतलब सोमवार से शनिवार तक रहता है। हाँ, वो कौन से टाइम में रहता है? 7 बजे सुबह 7 बजे मतलब पाली से यहाँ का? हाँ, पाली से आता है, यहाँ आता है। हाँ, पाली से 9:30 बजे पाली से यहाँ आता है, 9:30 बजे 11 बजे पाली से यहाँ आता है, 11 बजे 3:45 बजे पाली से यहाँ आता है, 3:45 बजे और 5 बजे वहाँ से, 4 बजे छुटता है इधर, 5 बजे आता है। और यहाँ से? यहाँ से जल्दी आता है, यहाँ से क्या भीड़ आता है और वापिस जाता है। यहाँ से 5 बजे लास्ट बस है, मतलब लास्ट बस यहाँ से पाली का? पाली, हाँ। एक घंटा लगता है पाली के लिए? पाली के नहीं, जाने के लिए पौन का 8 घंटा लगता है। और संडे के दिन बिल्कुल भी बस नहीं? संडे के दिन नहीं, संडे के दिन दो ही गाड़ी है, 11 बजे आती है, 11 बजे आता है और 7 बजे आती है, सुबह सात बजे आते हैं और 9:30 बजे कुछ आएगा तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, उसके बाद बस नहीं। मतलब वो स्कूल के हिसाब से आते हैं? हाँ, स्कूल से हिसाब से आते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे बस पकड़ने के लिए लेकिन बस है ही नहीं। अब यहाँ का क्या सिस्टम है कि संडे को बस है ही नहीं, आता ही नहीं है, मतलब सुबह को 7 बजे आता है और 11 बजे आता है, वो मैंने अंकल ने बताया, सुने होंगे, लेकिन जाने के लिए एक भी बस नहीं है, संडे को नहीं है, बाकी दिन जाने के लिए भी है और आने के लिए भी है, मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑटो वाला है, ऑटो वाले वो बोलेंगे पाटनूस छोड़ने के लिए, पाटनूस से हमें फिर पाली के लिए कुछ ऑटो वगैरह देखना पड़ेगा,
पाली थोड़ा नज़दीक है यहाँ से, तो पाली जाएंगे हम। तो दोस्तों आज पूरा सफ़र में मतलब हम लोगों ने गाइड लिया था और ये थे हमारे साथ, आपका नाम क्या है? दत्ता मोरे। दत्ता मोरे, कभी भी अगर आप आओगे ना अंधारबन का ट्रेक करने के लिए तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, अगर आपको गाइड चाहिए तो। मैं इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर लेना अगर कभी भी आओगे तो, ठीक है? तो आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि भाई कभी भी हमारे जैसे मत आओ कि बस वस पकड़ के ऐसा, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। सबसे बेटर ऑप्शन है कि कोई कैब बुक करो डायरेक्टली मुंबई से, यहाँ पे अगर आना है तो डायरेक्टली कैब बुक करो दोनों बोथ साइड का, नहीं तो किसी ग्रुप से आओ जो ट्रैवल अरेंज करते ना उन लोगों से आओ, तो आपको क्या है कि सस्ते में भी पड़ेगा और ऐसा किच नहीं होगा, हेक्टिक नहीं होगा ज़्यादा। हम लोग को बहुत हेक्टिक हुआ आते वक्त का, जाते वक्त का, पैसा भी ज़्यादा खर्चा हुआ हमारा। अब बात यह है कि हमें तो बस नहीं मिला और तो हम जो है ना ऑटो बुक किए हैं 1500 में पाली तक का, यहाँ से डायरेक्ट पाली जाएंगे, फिर पाली से बस देखेंगे पनवेल या मुंबई साइड का। तो आज का जो और लोनावाला के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी आपको जो ये टैक्सी वगैरह यहाँ पे कुछ रहेगा ना यहीं पे रहेगा, ये लोग दुकान वाले इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेना, तो ये लोग जो है ना वो इन लोगों के पास कॉन्टैक्ट है, वो टैक्सी वैक्सी बुला देंगे, यहाँ से ज़्यादा ही लेगा लोनावाला का। तो आज का जो ब्लॉग है ना मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।